इसराइल ने निकाला खतरनाक लेजर हथियार, चीख पड़े सऊदी और ईरान। दोस्तों, इसराइल हमेशा से ही अपने फ्यूचरिस्टिक वेपन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। खुद इसराइल ने कहा था कि हम 5 साल बाद ही लेजर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसने हमास के बढ़ते आक्रमण को देखते हुए निकाल ही लिया अपना खतरनाक लेजर सिस्टम, जिसे कहा जाता है आयरन बीम। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान में हड़कंप मच चुका है। इसके चलते आपको बता दें, ईरान के प्रेसिडेंट ने बकायदा फोन करके सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर 45 मिनट तक बात की है, यह बताते और समझाते हुए कि कितना जरूरी है हमारा हमास को समर्थन देना, वरना फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसराइल के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार हैं, जो एक साथ कई देशों को सबक सिखा सकते हैं, और इन्हीं में से एक है आयरन बीम लेजर सिस्टम। आपने आज तक कई खतरनाक हथियारों के नाम सुने होंगे, जैसे कि सुपरसोनिक वेपन सिस्टम, जो आवाज़ की गति से दुश्मन पर हमला करती है। उसके बाद हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम, जो आवाज़ की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसराइल का ये वेपन सिस्टम ऐसा है कि इन सब से भी ज़्यादा तेज और ज़्यादा घातक और ज़्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि इससे हमला करने के लिए किसी गोले बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी प्रकार के मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है लाइट का, और दुनिया जानती है कि लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है। और इतना ख़तरनाक है ये लेजर सिस्टम, ये लाइट की स्पीड से वार करता है, तुरंत रियल टाइम ट्रैक करता है, आइडेंटिफाई करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है दुश्मन के वेपन सिस्टम को। क्रिटिकल लेवल तक के टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिस भी चीज़ पर लेज़र मारी जाती है। हालांकि शॉर्ट रेंज में 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज में ही काम करता है, लेकिन इसका काम सुनकर आप हिल जाएंगे दोस्तों। रॉकेट्स, मोटार, मिसाइल हो या फिर ड्रोन, कोई भी अगर इसराइल के टेरिटरी की तरफ बढ़ता है तो उसे यह आसानी से मार गिराता है। हमास ने 5,000 रॉकेट दागे थे और हर दिन सैकड़ों रॉकेट दागे। अभी भी हमास इसराइल पर लगातार तेल अवीव के ऊपर, जो कि राजधानी है उसकी, उस पर लगातार सैकड़ों रॉकेट से हमला कर रहा है। इसराइल की ऐसी स्थिति में जब एकदम करीब आ जाता है रॉकेट, 7 किलोमीटर के डिस्टेंस से यह लेजर वेपन आयरन बीम उसके ऊपर टारगेट करता है, और महज कुछ सेकंड के अंदर वो रॉकेट, वो मिसाइल, वो मोटार या फिर ड्रोन, कुछ भी हो, उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आयरन बीम कितना खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि सेंटर ऑफ स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एनालिसिस के हिसाब से आयरन डोम सिस्टम के बूते इसराइल वाले अभी भी पार्टीज कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, जहाँ भी फैमिली फंक्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक्सो था, उसकी शादी थी, बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट की जा रही थी, और ऊपर आसमान में उसी वक्त हमास के रॉकेट दागे जा रहे थे, और हमास के रॉकेट को हवा में ही आयरन बीम सिस्टम विफल कर रहा था। तो ये जो खुशी है इजरायल में अभी भी, या जो सेफ रहने की एक फीलिंग है इजरायल के अंदर, वो आती है आयरन बीम की वजह से। तो आयरन बीम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो काफ़ी सस्ते में काफ़ी कम कीमत चुकाकर बढ़िया तरीके से देश की सुरक्षा कर रहा है, और ये कभी ना ख़त्म होने वाला डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए दोस्तों, भारत पर हमारे दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च कर दिया है, उसे रोकने के लिए हमने भी अपना S-400 या फिर BMD Shield को दाग दिया है। BMD Shield उस मिसाइल को रोक लेती है, लेकिन BMD Shield में जो मिसाइल था उसकी कीमत थी $50,000 की, यानी $50,000 हमारा खर्च हो गया। अब सोचिए, हमारा दुश्मन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 मिसाइलों से रोज़ हमला करेगा, तो उसे रोकने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। भले ही हमारा दुश्मन हम पे हमला करने में सफल ना हो, लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था को चरमराने में सफल हो जाएगा। लेकिन आयरन बीम इसी को महज कुछ ही रुपए में करने की ताकत रखता है। ये बिजली से चलती है, और बिजली की एनर्जी को लेजर एनर्जी में बदलकर दुश्मन के हथियारों को कबाड़ बना देती है, इसलिए कभी ख़त्म ना होने वाला डिफेंस सिस्टम बन जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। अभी हमने देखा कि हमास ने एक साथ 5,000 रॉकेट दागने लगा, तो न्यूज़ में आने लगी कि इसराइल के आयरन डोम की मिसाइल ख़त्म होने लगी है। आयरन डोम तो फेल हो सकता है, लेकिन आयरन बीम कभी न फेल, कभी न ख़त्म होने वाला घातक, खतरनाक वेपन सिस्टम है दोस्तों।